in maths class of standard 4th. Okay, student. So today we will do exercise number 38 of chapter number 9 fractions. Okay, आज हम fraction chapter का exercise number 38 को solve करेंगे. Okay, so let's start. Exercise number 38, which is given in page number 151 में आपका exercise number 38 दिया है, ठीक है? Okay, let's start. First question. Write each of the following divisions as a fraction. Question number 1 में जितने भी questions दिए हुए हैं, वो आपके division form में दिया है, ठीक है? तो आपको जो भी डिविजन फॉर्म में दिया है क्वेश्चन को, आपको किस में लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन के रूप में लिखना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर ए है, 8/4. आपको करना कुछ नहीं है, जो आगे वाला नंबर है उसको न्यूमरेटर के रूप में लिखना है, ठीक है, ऊपर साइड में, और जो पीछे वाला नंबर है उसको डिनोमिनेटर के रूप में लिखना है. तो आपका ये जो डिविजन फॉर्म में लिखा हुआ है वो आपका फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है. अब बी, 30/5, तो 30/5, ठीक. आगे वाला जो नंबर है वो ऊपर न्यूमरेटर के रूप में लिखेंगे और जो पीछे वाला नंबर वो डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे, ठीक है. अब 48/8, ठीक है. देन 27/9, सो उसका आपको किसमें लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है, तो 27/9, ठीक है. सो मैंने आपको ए बी सी डी बता दिया, वैसे आपका ई एफ जी एच जो क्वेश्चन है आपको उसी फॉर्म में लिखना है. तो ये आप खुद से करेंगे, क्लियर. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज अ डिविजन. अब आपको क्वेश्चन किस में दिए हैं, फ्रैक्शन के रूप में दिए. देखो ए बी सी डी जितने भी क्वेश्चन है आपको फ्रैक्शन के रूप में दिए, ठीक है. अब आपको किसको किस फॉर्म में लिखना है, डिविजन फॉर्म में लिखना है. पहले में क्या था, डिवीजन में लिखा हुआ था, आपने फ्रैक्शन के रूप में लिखा. अब फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आपको डिवीजन फॉर्म में इसको लिखना है. तो इसको क्या करेंगे हम, जो ऊपर वाला नंबर, आगे वाला नंबर, देखो आगे वाला नंबर को हम ऐसे लिखे थे ना, सेम इसका उल्टा, 2 पहले लिखो, डिवाइड का साइन लगाओ, 7, क्योंकि आपको किस में लिखना है, डिवीजन के फॉर्म में लिखना है, तो आप डिवीजन फॉर्म में लिखोगे, हो गया. अब 5/9, तो इसको क्या लिखोगे, 5/9, ठीक. 13/17, तो आप इसको लिखोगे 13/17. अब ये है 80/25. अब आप इसको कैसे लिखोगे डिविजन फॉर्म में, 80/25, ठीक है, इजी. अब आप ए बी सी डी मैंने कर लिया है, अब आप इसको क्या करोगे, ई एफ जी एच खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है. ओके, आप देखो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शंस. नीचे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्या वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप यस लिखेंगे, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो आप क्या लिखोगे, नो, ठीक है. प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, हम अभी पढ़े ना प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शंस वैसे वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसका न्यूमरेटर स्मॉल होता है डिनोमिनेटर से, मींस ऊपर का नंबर छोटा होता है और नीचे का नंबर क्या होता है, बड़ा होता है. जिसका न्यूमरेटर स्मॉल होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है. ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, देखो ये ठीक है, इसका न्यूमरेटर देखो 2 है और डिनोमिनेटर क्या है, 7, मीन्स न्यूमरेटर क्या है, स्मॉल है ना, और किससे, डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, यस प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो यू विल राइट यस, ठीक है. प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है. अब 8/8 ये तो नहीं है, ये तो इक्वल है, ये क्या होगा, नो, ठीक. अब देखो यहाँ न्यूमरेटर बिगर है और डिनोमिनेटर क्या है, स्मॉलर है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या, नो. ओके, देन यहाँ देखो न्यूमरेटर में कितना नंबर है, 69, और डिनोमिनेटर में कितना नंबर दिया गया है, 70, तो न्यूमरेटर स्मॉलर है ना देन डिनोमिनेटर से, सो
ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है? यस प्रॉपर फ्रैक्शन. सो यू विल राइट यस. ओके नाउ हियर 19/29 न्यूमरेटर में कौन सा नंबर दिया गया 19 और डिनोमिनेटर में क्या 29. तो न्यूमरेटर स्मॉलर है देन इट्स डिनोमिनेटर यस. सो इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. ये प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है. ठीक है देन 20/17 या तो न्यूमरेटर बड़ा है ना ग्रेटर है ना 20 है और 17 डिनोमिनेटर छोटा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या? नो. क्लियर देन 25/30 25 इज स्मॉलर देन 30 सो दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन यस. देन ये लास्ट क्वेश्चन 18/19 18 इज स्मॉलर देन 19 मींस न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर सो दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन यस. ओके सो यू नोट डाउन इन योर मैथ्स कॉपी और जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है उसको आप कंप्लीट करोगे. ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं जिसका न्यूमरेटर बिगर होता है या ग्रेटर होता है या इक्वल होता है डिनोमिनेटर से. ठीक है वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है या बराबर होता है निचले नंबर से. ठीक है वैसे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. ओके चलो अब हमको इसमें करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. आप ये कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं आपको उसमें पहचानना है कि कौन से फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है. ठीक है इम्प्रॉपर क्या होता है जिसका ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है या बराबर होता है नीचे वाले नंबर से. ठीक है चलो देखते हैं 10/3 न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर बिकॉज इन न्यूमरेटर 10 एंड डिनोमिनेटर इज 3 तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यस क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है ग्रेटर है बड़ा है यस. ठीक है अभी हम क्या कर रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कर रहे हैं. ठीक है देन बी 11/7 11 इज ग्रेटर देन 7 यस सो दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. ओके देन 7/7 देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या थी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हमेशा ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से हमेशा बड़ा होता है डिनोमिनेटर से या इक्वल होता है. ठीक है ये दोनों ही आता है तो वो कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है इम्प्रॉपर. तो ये इक्वल है ना तो ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यस है. ठीक है यस देन 8/23 अब देखो यहाँ न्यूमरेटर क्या है स्मॉलर है देन डिनोमिनेटर से बिकॉज इन न्यूमरेटर हियर न्यूमरेटर इज 8 एंड डिनोमिनेटर इज 23 तो न्यूमरेटर क्या है स्मॉलर है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ क्या? नो. ओके सो आई हैव एक्सप्लेन दीज फोर क्वेश्चंस एंड यू विल डू ई एफ जी एच योरसेल्फ. ये आपके लिए मैं छोड़ी हूँ ये आप खुद से करेंगे. ठीक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ठीक है आपको पता चलेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है तो इसको आप खुद से करोगे जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है या इक्वल होता है. ठीक है नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है जिसका न्यूमरेटर हमेशा वन ही होता है सिर्फ वन होना चाहिए. ठीक है जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सिर्फ वन होता है उसको हम क्या कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन. ठीक है यूनिट फ्रैक्शन अब चलो देखते हैं इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं क्या वो यूनिट फ्रैक्शन है अगर है तो यस करेंगे अदरवाइज नो लिखेंगे. देखो सी द फर्स्ट क्वेश्चन 1/7 देखो न्यूमरेटर 1 है यस तो ये कौन सा है यूनिट फ्रैक्शन है यस सिर्फ ऊपर में 1 होना चाहिए. ओके ये है क्या? नो दिस इज यस क्योंकि न्यूमरेटर क्या है 1 है यस दिस इज नीचे 1 से नहीं होगा ऊपर होगा न्यूमरेटर सिर्फ 1 होना चाहिए डिनोमिनेटर 1 होगा तो वो यूनिट फ्रैक्शन नहीं है तो ये यूनिट फ्रैक्शन है क्या? नो. बाकी एक जो क्वेश्चन है आप इसको देखो और पहचानो और यूनिट फ्रैक्शन है कि नहीं आप खुद से करोगे. ठीक है ये यूनिट फ्रैक्शन है यस ये यूनिट फ्रैक्शन है ये है नो क्योंकि ऊपर 1 नहीं है ये है यस ये है. ठीक है ऊपर नीचे से मतलब नहीं है लेकिन ऊपर में 1 होना चाहिए भले वो इक्वल हो ये यूनिट फ्रैक्शन है. ठीक है
ये यूनिट फ्रैक्शन है? यस, ये यूनिट फ्रैक्शन है। तो इसको कर देते, फिर आप लोग उल्टा पुल्टा कर दोगे, ये होगा नो एंड देन ये होगा यस। ठीक है, इसको भी कर लो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसके ऊपर ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा होता है या इक्वल होता है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यस, ये है क्योंकि ये ग्रेटर है देन 3 से। यस, ये भी ग्रेटर है 71। ठीक है, 70 से, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला बड़ा होता है, ये है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर इसका स्मॉल है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यू पॉज दिस वीडियो एंड नोट डाउन इन योर मैथ्स कॉपी, क्लियर?